आज़ादी के बहुत बाद भी बस्तर में आज़ादी नहीं हुआ था, तो बाद में पता चला यह आदिवासी एरिया होने कारण, जंगल एरिया होने कारण लाइट नहीं थे, टीवी नहीं थे, पेपर मीडिया नहीं थे, और उस समय खाली रेडियो हुआ करता था। इसलिए पहला आज़ादी के बाद लोकसभा चुनाव आया, यहाँ बस्तर से लोग कोई परम नहीं बोले। बस्तर के महाराजा को पता था कि यहाँ पर फलाने डेट में परम भरना है, फलाना दिन में चुनाव होगा। इसलिए मेरे जैसे स्कूल नहीं गया, गरीब घर में पैदा हुआ आदमी को मूसा की कोसा को निर्विरोध परम भरवाया था। किसी को आदिवासी को पता नहीं था, रिजर्व सीट था, तो इसलिए मूसा की कोसा पहला सांसद बस्तर से बन के गया। बस्तर से बन के गया, वहाँ से कांकर से पोटा गया था, तो वो पढ़ा लिखा था, कोई भी बात उनसे वो पूछता था। दिल्ली में जब कुकानार, इडजे पाल के पास कुकानार है, वहाँ मुर्गा बाज़ार होता है, तो मुर्गा बाज़ार शुक्रवार को बाज़ार है, तो कांकर का सांसद को पूछा कि मुर्गा बाज़ार मेरे को जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो पहला देश का प्रधानमंत्री पंडित लाल नेहरू को पोटाई ने पूछा कि बस्तर का सांसद मुर्गा बाज़ार जाएगा, तो नेहरू जी के पास ले गया। नेहरू जी मूसा की कोसा पूछा शायद, तो कैसे कोसा जाओगे बस्तर? बोले जी महाराज मैं बस्तर जाऊंगा। क्यों जाओगे? बोले मुर्गा बाज़ार होगा, मुर्गा लड़ाई करना है। तो मुर्गा लड़ाई, नेहरू जी पूछा कि मुर्गा लड़ाई साल में होता है कि महीना में होता है कि सप्ताह में होता है? वो बोला आप हर सप्ताह में होता है, हर सप्ताह में होता है तो बजट सत्र चल रहा है, बाद में जाना। फिर नेहरू जी को जवाब दिया कि मैं मुर्गा बाज़ार तो हर सप्ताह में बांधूंगा, लेकिन लंदा टाइम से पीना है। लंदा बनाए, हम दो शादी किया है, मेरा पत्नी गाली देगा, मैं जाऊँगा। तब फिर नेहरू जी रेल से बिलासपुर भेजा, बिलासपुर कमिश्नर था, तो बिलासपुर कमिश्नर गाड़ी में मुर्गा बाज़ार को कनर आया है। उस दौर भी देखा है, यहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं था, रेडियो नहीं था, पीने का पानी नहीं था, नाला का झरना का पानी पीते थे।